मदद से कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर आपको दो नंबर दिए हुए हैं, तौसी के जब्त का इस्तेमाल करके आपको इनकी कीमत मालूम करनी है। आपको पता है तौसी का जब्त है ए जमा बी, ए नफी बी बराबर है ए की कुव्वत दो नफी बी की कुव्वत दो। तो सबसे पहले हमको इसे ए जमा बी ए नफी बी की शक्ल में लाना पड़ेगा। तो चलिए 502 के हम किस तरह से इसे करेंगे, 500 जमा दो यानी 502 और 500 में से दो निकालेंगे तो 400 हासिल होगा। तो चलिए अब हम लिखेंगे ये आ गई है ए जमा बी और ए नफी बी की सूरत। अब हम इसे हल करते हैं, ए जमा बी ए नफी बी का जाता है ए की कुव्वत दो नफी बी की कुव्वत दो। तो चलिए ए की कुव्वत दो, यहाँ पर ए 500 है और बी 2 है, ठीक है। ए की कुव्वत दो यानी यहाँ पर है 500 की कुव्वत दो नफी बी की कुव्वत दो यानी 2 की कुव्वत दो। 500 का मुरब्बा है 25 और यहाँ पर जितने सिफर रहते हैं उस पर डबल कर देना मुरब्बे में। तो यहाँ पर 2 सिफर है तो इसके डबल 4 सिफर, नफी 2 का मुरब्बा 4। इस तरह से हमारा जवाब आया है 250,000 -4, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमने इसकी कीमत मालूम की है। अभी हम इसको 250,000 में से 4 माइनस करते हैं, करने पर हमें जवाब मिलता है 249,996 जो कि है इस नंबर की इस अदद की कीमत। अब दूसरे सवाल में आपको दिया हुआ है 97,103, आपको इसको ए जमा बी ए नफी बी की सूरत में लिखना है फिर से। चलिए ए जमा बी ए नफी बी की सूरत 97 को और 103 को ए जमा बी की सूरत में लिखना है। 97 सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे ए जमा बी ए नफी बी, तो उसके बाद लिखेंगे 97 को हम कैसे लिखेंगे, तो 97 जवाब आएगा ए जमा बी की सूरत में 100 नफी 3 100 जमा 3। 100 में से 3 निकालने पर 97 हासिल होगा और 100 में 3 जमा करने पर 103 हासिल होगा। इसका फॉर्मूला क्या है फिर, ए इसका जवाब आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अभी हम अभी हमारे पास कीमत आ चुकी है ए और बी की सूरत, अब हम इसकी मुरब्बा लेते हैं। यहाँ पर ए 100 है और बी 3 है, ए की कुव्वत 2 यानी 100 की कुव्वत 2 नफी बी की कुव्वत 2 यानी 3 की कुव्वत 2। 100 का मुरब्बा यहाँ पर आएगा 1 का मुरब्बा 1 और 2 जीरो के डबल 4 जीरो, नफी 3 का मुरब्बा 9। चलिए इसकी तकलीफ करने पर हमें हासिल होगा 9,991 जो कि है इसकी तौसी।